तो आज की इस वीडियो में हम जो था गूगल सीट में एक जो था प्रोजेक्ट जो था देखने वाले प्रोजेक्ट क्या बेसिकली एक जो था छोटा सा जो था होगा लेकिन बहुत सारे जो था आपके काम मतलब काम को आसान कर देगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो था गूगल सीट में हम लोग करते रहते हैं और डेट के साथ भी जो था काम करते हैं। तो डेट के साथ बेसिकली जो था आज हम ये चीज सीखने वाले हैं क्या है ये सारी चीजें जो था वो हम सीधे अपने वीडियोज में ही आगे देखने वाले हैं। तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते जी हैं। मैंने मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट ये जो था हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम जो था डेट के साथ काम करने वाले हैं। तो क्या है ये सारी चीजें, क्या हम काम करेंगे डेट के साथ, वो सारी चीजें जो था अब हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले गूगल सीट में और आज का टास्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस जो होता है इसको इस टास्क को आप खुद ही परफॉर्म करें, मतलब मेरा वीडियो जो होता है कंप्लीट हो उससे पहले ही आप इस टास्क को जो होता है परफॉर्म कर लें। अगर नहीं आता है आपको टास्क जो होता है मतलब ये आप नहीं कर पाते हो तो ये इस वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अब टास्क क्या है वो चीज आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए मेरे पास एक स्टार्ट डेट है, मैं यहाँ एक डेट को सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं मान लीजिए पीछे जाता हूँ और 1 जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से एक एंड डेट भी लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाऊंगा और एंड डेट को मान लीजिए मैंने कर दिया अक्टूबर इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, तो आपको यहाँ पर क्या करना है वो डेट जो था कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिखाना है। जैसे मैंने लिखा जैन यहाँ पे जुलाई जुलाई 24 सपोज दो उस फॉर्मेट में, उसी तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से अगस्त यहाँ पे जुलाई के बाद फिर आपका अगस्त होगा 2024, इसी तरीके से आपको आगे चलना है। तो आप ये सोच रहे होंगे तो बड़ा आसान है, इसमें क्या है कि हम यहाँ पे एक डेट ले लिया उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड डेट ले लिया। अब मैं इसको जो था ड्रैग कर दूंगा। अब ये ड्रैग करोगे तो सीधे सीधे क्या होना है कि आपका जो था डेट वाइज जो था वैसे तो एक्सपेंड होता है, आप यहाँ से इसके एंड तक का पूरा डेट यहाँ से खींच दीजिए। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे मंथ वाइज दिखाना है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा टास्क है वो ये नहीं है, इससे और भी थोड़ा सा हटके है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जुलाई को यहाँ 2024 लिखा हुआ आ रहा है, तो नेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ आना चाहिए वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, टारगेट जुलाई 2024, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 2024 लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा फिर ये आएगा कुछ ऐसे, यहाँ पे आएगा अगस्त 2024 और फिर यहाँ पे आना चाहिए टारगेट, फिर यहाँ पे अगस्त 2024, इस तरीके से। और जितना भी यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट किया हुआ, सपोज यहाँ जुलाई लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है अक्टूबर, तो जुलाई अगस्त हो गया सितंबर और अक्टूबर, इसी तरीके से पूरा इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। जुलाई फिर उसका दिन टारगेट जुलाई, अगस्त फिर उसके बाद टारगेट अगस्त, इसी के सितंबर फिर टारगेट वो वाला, फिर जितना भी मैं डेट यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे रेंज मैं यहाँ पे जितना भी डालता रहूँ एंड डेट जितना होगा उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ये कम या ज्यादा होता रहना चाहिए। तो ये है हमारा टास्क जो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मतलब ये आपको आता है तो आप जो था अपने खुद से जो था प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा किन लोगों ने जो था ये वीडियो ये टास्क जो था अपने मतलब खुद से किया हुआ है, और जिनको नहीं पता है वो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ये करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये आप डेट देख रहे हैं बेसिकली ये मैंने कुछ नहीं किया है, डेटा वैलिडेशन से मैंने जो है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डेट को डाला हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो हमारा मंथ है जो मैंने हमें यहाँ पे डेट डाला हुआ है 1/7/2024 और 31/10/2024, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब कितने महीनों का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक जो होता है फॉर्मूला है जिसका नाम है डेटेड इफ। डेटेड इफ में आपको स्टार्ट डेट देना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट को सेलेक्ट कर लिया और हमारा जो स्टार्ट डेट है वो है हमारा B1 वाले सेल पे, मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा डेट यहाँ पे एंड डेट जो है वो हमारा D1 वाले सेल के अंदर है, इसको भी मैं F4 करके लॉक करता हूँ। अब हमें चूंकि मंथ को चेक करना है तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा M, जो कि हमारा यूनिट होगा, बेसिकली हमें क्या देखना है वो हमें पता चल जाएगा। तो हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर जो डेट का जो दो डेट बीच का जो डिफरेंस है वो मंथ में वो है 3 महीने का। तो हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमें जितना मतलब वो जो डेट हमें एक्सपेंड करना है वो 3 मंथ
के अकॉर्डिंग जो होता है एक्सपेंड करना है, मैंने 1 2 3 ऐसे चलना है। तो अब हमें जो होता है 1 2 3 अगर चलना है तो हम यहाँ पे कैसे चल सकते हैं, तो उसके लिए गूगल सीट के अंदर एक फॉर्मूला है जिसका नाम है सीक्वेंस। सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप यूज करेंगे तो सीक्वेंस क्या करता है, आपको जो भी नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस नंबर जो होता है जनरेट कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे चलते मैं सीक्वेंस, अब सीक्वेंस का ही वो आपको पैरामीटर पता होना चाहिए। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। पहले तो SEQUENCE होता है यहाँ पे, आप इसी पे टैप कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पैरामीटर होता है कि रो, मतलब आप जो होता है सीक्वेंस रो वाइज दिखाना चाहते हैं कि कॉलम वाइज दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप 1 लिखेंगे तो जो भी सीक्वेंस होगा वो एक ही रो में दिखाएगा, अगर आप जो होता है 2 नंबर जो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो वह 2 रो में आपको सीक्वेंस दिखाएगा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं मान लीजिए मुझे एक ही रो में दिखाना है तो मैंने लिखा 1, उसके बाद कॉलम्स। तो हमारे पास कॉलम्स में डेटेड इफ के अंदर हमें क्या बता रहा है कि वो जो हमें कॉलम्स दिखाने हैं वो है 3 कॉलम्स में दिखाने हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जो था जुलाई दिखाना है एक कॉलम में, तो उसके बाद अगस्त दिखाना है एक कॉलम में, उसके बाद सितंबर दिखाना है, इस तरीके से हमें जो था कॉलम वाइज दिखाना है। तो हमारे पास जो था कॉलम की वैल्यू जो था किसके अंदर आ रही है, डेटेड इफ के अंदर आ रही है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जाहिर सी बात है हमें स्टार्ट भी करनी है 1 से, फर्स्ट से हमें स्टार्ट करना है। और इंक्रीमेंट किस तरीके से करना है, यहाँ पे 1 कर दीजिए, मैंने एक एक का इंक्रीमेंट करके चलना है। मैं यहाँ पे क्लोजिंग करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए वो जो हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही थी वो यहाँ पे अभी 1 2 3 के सीक्वेंस में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और अक्टूबर की जगह पे अगर मैं नवंबर कर दूंगा तो ये देखो आप, तो देख रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस भी चेंज हो चुका है, 1 2 3 4 के फॉर्मेट में आ चुका है। अब तो हमारे पास जो मतलब हमें अब ये डायनेमिकली हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो 2 बीच का जो मैंने जो 2 डेट है उनके बीच में जो मंथ का गैप है वो अभी 4 महीने का। अगर आप आगे का डेट बढ़ाओगे या कम या ज्यादा करेंगे तो उसी हिसाब से यूनिट जो होता है कम या ज्यादा होता जाएगा। तो हमें ये चीज तो सीक्वेंस के थ्रू हमें यहाँ पे ये सब चीजें मिल चुका है, लेकिन हमें क्या है डेट के फॉर्मेट में चाहिए, हमें 1 2 3 4 के सीक्वेंस में नहीं चाहिए, हमें डेट चाहिए कि एक्चुअली जो तो 1 2 3 4 जो ये दिखा रहा है ये बेसिकली हमें मंथ को जो होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, मंथ और ईयर। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जो होता है एक फॉर्मूला है जिसका नाम है ई डेट। ई डेट क्या काम करता है पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर ई डेट में आप जो है कोई भी डेट देते हैं और उसके बाद जो होता है इसमें सेकंड पैरामीटर होता है मंथ, मान लीजिए आप कोई भी डेट देते हैं, सपोज जैसे मैंने ये वाला डेट दिया और मैंने पूछा कि 2 महीने बाद ये जो होता है क्या तारीख होगी, मैंने आज अगर 1/7/2024 है तो आज के 2 महीने बाद क्या तारीख होगी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर हो जाएगा, तो 1/9/2024 हो जाएगा। तो ये काम ई डेट करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ई डेट। ई डेट के अंदर देखिए स्टार्ट डेट होता है, मान लीजिए आपने स्टार्ट डेट डेट दे दी यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे मंथ पूछता है कि नहीं आपका जो था कितने मंथ बाद जो था आपको कौन सा डेट, मान लीजिए मुझे नेक्स्ट मंथ में अगले मंथ उसका क्या तारीख होगी, तो मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए ये 1/8/2024 दे दिया। तो ये काम जो था ई डेट करता है, तो हम यहाँ पर उसी को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे हम ई डेट को यूज करेंगे, ई डेट, ठीक है, ई डेट को मैंने लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया। हमारा जो स्टार्ट डेट है बेसिकली कौन सा स्टार्ट डेट होगा, हमारा ये वाला डेट यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसको मैंने F4 से लॉक किया। अब इसके बाद जो था आज के 3 महीने बाद, मतलब ये जो हमें यहाँ पे सीक्वेंशियल मिलेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा, तो वो फर्स्ट में कितनी क्या तारीख होगी, सेकेंड में क्या तारीख होगी, वो बेसिकली हमें ई डेट के माध्यम से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/8/2024 आ गया, क्योंकि हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट में जो था यहाँ पे 7 मई से मंथ में जो 7वां जो मंथ है उसमें 1 ऐड हो गया, 8 आ गया, लेकिन वो 1 आया। तो हमें क्या करना है पूरा यहाँ पे चाहिए एरे के रूप में, तो यहाँ पे एरे का मैं कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमें मिल चुका है पूरा, यहाँ पे 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, देख रहे हो आप हमें मिल चुका है। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, हमारा जो था MMYY के फॉर्मेट में चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक जो था और फॉर्मूला है वो है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट को हम इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट में यहाँ पे हम जो था इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। वो क्या है फॉर्मेटिंग, MM और कॉमा Y, 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 4 बार 4 टाइम्स Y कर देंगे तो ये आपका फॉर्मेट जो भी चेंज हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपको फॉर्मेट मिल चुका है, प्लस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अभी तो ये डायरेक्ट हमें जो एक्चुअल में अगर हमें अगर यही काम करना हो तो ये तो हमें मिल चुका है, लेकिन हमारा जो काम था वो क्या है, वो ये नहीं है। उसके साथ साथ जो था हमें टारगेट 1/8/2024, टारगेट 1/7/2024 जस्ट एक के बाद एक करके लाना है। तो अब हमें इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमारा यही वाला जो फॉर्मूला है यहाँ जहां तक हमने लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये तो हमें चाहिए चाहिए। इंटर प्रेस करता हूँ। अब हमें जो था इसके साथ टारगेट भी लगा हुआ आना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एंड पर्सन के साथ यहाँ पर हम एक जो था लाइन एड करते हैं इस तरीके से, वर्टिकल लाइन,
और यहाँ पर हम लाइन को कर देंगे क्लोज, ठीक है यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पर हम एंड पर्सन लगाएंगे और फिर हम लिख देंगे टारगेट, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा, और ये जो टारगेट होगा इसमें भी हल्का सा हमने गैप डाला हुआ है और यहाँ पे एंड पर्सन लगाया। अब जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया था वो हमने एज इट इज यहाँ पे डाल दिया। अब एंटर प्रेस करूंगा, देखिए आपको क्या मिला यहाँ पे अगस्त, ये देख रहे हो आप अगस्त। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। अब आ चुका है आपको जो एक्चुअल में नीड थी, अगस्त 2024 टारगेट यहाँ पे, ये फिर टारगेट अगस्त 2024 सितंबर, ये सब चीजें आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब ये जो भी क्या है रो वाइज आ रहा है, रो वाइज को जो होता है हमें जो है कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास गूगल सीट के अंदर एक फॉर्मूला है जिसका यूज आपने शायद किया होगा, अगर नहीं किया तो यहाँ देखिए वो है फ्लैटन। फ्लैटन फंक्शन क्या करता है कि जो भी रो वाइज जो होता है डेटा होता है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमने लिखा फ्लैटन, और फ्लैटन को जो होता है लिखा, हाँ ठीक है फ्लैटन लिखा और एंटर प्रेस किया। तो देखो ये हमारा जो भी रो वाइज जो डेटा था वो हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, अभी कॉलम में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अभी ये जो था कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर हमें जो ये जो हमने लाइन यहाँ पे डाला हुआ था, बेसिकली हमने इसलिए डाला था क्योंकि तो हम इसको जो था स्प्लिट करके इनको अलग अलग कर सकते, ठीक है। तो अब देखो स्प्लिट का हम इस्तेमाल यहीं कर लेते हैं, तो इसके लिए हमें आप लिखेंगे स्प्लिट, और स्प्लिट में हमें जो था ये जो हमने लाइन जो था वर्टिकल लाइन डाला हुआ है उसी से डेटा को हमें सेग्रीगेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ये वाला जो परम जो हमारा वर्टिकल लाइन है वो ऐड किया, तो देखिए वो जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से स्प्लिट भी हो चुका है। तो यहाँ से पहले बात तो ये डेटा हटा देते हैं क्योंकि वो रेफरेंस एरर दे रहा है। अब चूंकि यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ स्पेस भी आ रहा है, तो हमें ये स्पेस नहीं चाहिए। तो यहाँ स्प्लिट के बाद यहाँ पे आपको क्या काम करना है, ट्रिम भी इस्तेमाल कर लेना, तो जो अननेसेसरी स्पेस होगा वो हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से एक बार इसको भी हटा देते हैं और बाहर प्रेस कीजिए। अब देखिए आपका जो डेटा है वो पूरा यहाँ पे डेटा जो था स्प्लिट के माध्यम से हमने जो था सबको अलग अलग कर लिया। अगस्त यहाँ आ चुका है, टारगेट अगस्त यहाँ आ चुका है, सितंबर इसी तरीके से यहाँ पे मिल चुका है। अब हमारा जो काम था वो ऑलमोस्ट जो था हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम रह गया है, वो क्या है वो देख लेते हैं। अभी हमारा डेटा क्या हो रहा है, ये कॉलम वाइज हमें दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है इसको भी हमें रो वाइज कन्वर्ट करना है। तो कॉलम को रो वाइज करने के लिए हमारे पास पता है कि हमने क्या अभी जस्ट देखा है फ्लैटन, तो फ्लैटन को एंटर का मैंने प्रेस किया, तो देखिए ये सारा का सारा जो डेटा है ये मैं एक बार हटाता हूँ यहाँ से, देख रहे हैं आपका जो भी सारा डेटा था जो कॉलम वाइज मतलब ये आ रहा था वो अभी सारा का सारा डेटा जो था रो वाइज कन्वर्ट हो चुका है। अब जो था रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास उसके लिए भी फॉर्मूला है। आपको पता है कि रो को अगर कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आपके पास फॉर्मूला है ट्रांसपोज का, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए ट्रांस, ठीक है। अब जैसे ही आप इंटरप्रेस करोगे आपका काम हो चुका है, ये आप हटा दीजिए यहाँ से, और ये देखो आप ये पूरा डायनेमिकली डेटा हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखिए अगस्त आ गया टारगेट अगस्त 2024 आ गया, सितंबर टारगेट सितंबर, अक्टूबर टारगेट, और ये पूरा डायनेमिकली है। अगर आप यहाँ पे इसको जो होता है चेंज करिएगा, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ नवंबर की जगह दिसंबर कर लेता हूँ, ये देखो आप ये देख रहे हो आप यहाँ पे दिसंबर का भी डेटा ऐड हो गया, ये देख रहे हो दिसंबर टारगेट दिसंबर आ गया। अगर मैं दिसंबर की जगह इसको जो तो वापस से मैं कर देता हूँ पीछे ले चलता हूँ, अगर कुछ भी मान लीजिए मैं अक्टूबर कर लेता हूँ इस बार, और यहाँ पे कर लिया अक्टूबर, देख रहे हैं तो आपका डाटा भी डायनेमिकली कम या ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी यहीं पे बन जाती है कि अगर हमें मंथ वाइज जो होता है दिखाना या डेट वाइज डाटा दिखाना तो सीरियल तो हम दिखा देंगे, लेकिन अगर उनके बीच में कोई अदर टेक्स्ट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आप जो अगर ये फॉर्मूला अच्छे से समझ गए होंगे तो अब आपको डाउट नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी जो है टिप्स और ट्रिक्स गूगल सीट के और जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे आप बूस्ट कर पाएंगे वो सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता रहता हूँ। और मैं आपको यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट से लेकर के वेब एप्लीकेशन और धीरे धीरे और भी काफी जो ट्यूटोरियल्स हैं वो जैसे कि पाइथन हो गया आपका जो है नोड हो गया वो आगे हम लोग जो है लेकर के मैं लेकर के आऊंगा, और भी एडवांस जो है चीजें आपको सिखाऊंगा, और जो भी गूगल सीट में जो बहुत सारी
सारे जो वेब एप्लीकेशन बनते हैं उनका मैं प्रैक्टिकल जो होता चीजें आपको सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ जो होता जुड़े रहिए, और यहाँ पर आपको एप सीट से भी रिलेटेड चीजें जो होता सीखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ जो होता लुकर की भी वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है, वो भी जो होता स्टेप बाय स्टेप जो होता मैं आपको जो है यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से सिखाता रहूंगा। तो दोस्तों विदाउट जो होता है एनी अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो तो विदाउट हेजिटेशन आप डायरेक्टली मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।